नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। 13 जुलाई 1931 पूरा कश्मीर मार्टर्स डे के रूप में मनाता है, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज इसको ब्लैक डे के रूप में मनाता है। इंजीनियर रशीद, एक ऐसे नेता जो समय समय पर हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, उनका एक बयान आया है महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ, जो सीधे तौर पर जालिम कहा गया है। और ये कहा गया कि महाराजा हरि सिंह जी की जो एक तानाशाही थी, डोगरा तानाशाही, उसके खिलाफ उन लोगों ने कुर्बानी दी है। और एक और सवाल उन्होंने ये उठाया है कि विक्रमादित्य सिंह, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के खेमे से चुनाव भी लड़ा, लेकिन एक विरासत है डोगरास की, और वो जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की सोच क्या थी। तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था मार्टर्स डे पर, जो स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है। उन्होंने कहा था कि जो लोगों को आप मार्टर्स कह रहे हैं वो एक्चुअली क्रिमिनल्स और लूटर्स हैं। लेकिन इसका जवाब दिया है इंजीनियर रशीद ने, और इंजीनियर रशीद सीधे तौर पर कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो जालिम थे, और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जिस तरह से कहा कि महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी है वो एक जन्मदिवस की छुट्टी, जिसकी समय समय पर मांग उठती रही, जय डुग्गर जय डोगरा, इस तरह के नारेबाजी होती रही, इस तरह से सियासी खेमे में हलचल हुई कि तमाम जो जम्मू के लोग थे वो डोगरास की आवाज़ बने, जो नेता थे वो कहते थे कि डोगरास का वर्चस्व कहाँ है, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी डिक्लेयर की जाए। और बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, एजिटेशन हुए, तमाम लोग घरों से बाहर निकले जय डुग्गर जय डोगरा के नारे लगाने के लिए। लेकिन इंजीनियर रशीद की ये स्टेटमेंट डोगरास को जो है वो कहीं ना कहीं चोट दे रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे महाराजा हरि सिंह, जो हमारी पहचान है, जिस महाराजा ने 370-35 का एक ऐसा मुद्दा, या फिर मैं कहूँ ऐसा विलय कर दिया जिसके ऊपर तमाम कश्मीरी लीडर्स जो है आज इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हाल ही में महबूब मुफ्ती ने भी बयान दिया है, तो क्या उस महाराजा हरि सिंह जी के लिए इस तरह के अपशब्द जो है उपयोग करना जायज़ है? क्या सियासत के लिए आप ये भी भूल जाएंगे कि 370 आया कहाँ से है और रोटियाँ आप कहाँ से सेक रहे हैं? मेरे साथ सुमित जी हैं, एक डोगरा की आवाज़ बनते हैं, लेकिन आज जवाब इनसे जानना चाहूँगी। सर, आज कहाँ है तमाम वो लोग जो डोगरास की आवाज़ बनते और इलेक्शंस लड़ रहे थे? देखिए रूहानी जी, सबसे पहले तो मैं आपके ज़रिए यही उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे जब एमपी इलेक्शंस हुए, आपने देखा उस टाइम सारे के सारे नेता जितने भी, सब के सब सामने आके अपनी अपनी राजनीति चला रहे थे। तब डोगरा के लिए सब ने बहुत बुलंद आवाज़ें कर करके कहा कि हम डोगरा के साथ हैं, डोगरा के हित में हैं। चौधरी लाल सिंह जी भी उसमें थे, उन्होंने भी कहा। लेकिन जो ये इंजीनियर राशिद, ये एक ऐसी बात कर गया जिसे हम कह सकते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। देखिए, ये एक एमएलए हैं और महाराजा हरि सिंह की उपलब्धियों के बारे में ये क्या जानेंगे? महाराजा हरि सिंह जी की उपलब्धियाँ, जिन्होंने चाइल्ड बच्चों की एजुकेशन के लिए इतना योगदान दिया, जिन्होंने जो निम्न वर्ग के जो लोग थे उन सब के लिए उन्होंने इतना सब किया कि उन्हें पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार दिया, महाराजा हरि सिंह जी के बारे में ये बोलेंगे? जबकि इनके बारे में अगर हम, इंजीनियर राशि जी के बारे में अगर हम कहें, तो आपको भी पता होगा 2005 में इनके साथ क्या हुआ था। 3 महीने और 17 दिन के लिए ये जेल में गए थे। किस लिए? एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब इनको काली स्याही न्यू दिल्ली में, जब इनके ऊपर ब्लैक इंक से इनके ऊपर वार किया गया था, ये इन एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग सुर्खियों में आने के लिए, अब इलेक्शन का दौर है उसमें आने के लिए अपने कुछ बयान इस तरह से देते हैं जिससे कि ये इस तरह की आपसी जो झगड़े पड़े और आपसी जो इनकी रोटियाँ जो हैं वो चल पड़े। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे, एक आपके द्वारा, एक सभी को ये बोलना चाहता हूं, आम इंसान सामने आते हैं, आम इंसान उन नेताओं के पीछे चलते हैं महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिवस की छुट्टी के लिए, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि विरासत है डोगराज यहाँ पर है, जम्मू में है, और आवाज़ बनते हैं, तिरंगा उठाने में जो है शान समझते हैं। लेकिन आज वो नेताओं के जुबान से एक लफ्ज़ क्यों नहीं निकल रहा है? यही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब जब आप लोगों का टाइम एमपी इलेक्शंस ख़त्म हो गए, उसके बाद आप लोग सब सो गए हैं, क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता था इस टाइम जम्मू के हित के लिए आगे आके अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जम्मू के हित में बोलें, जम्मू के लोगों के लिए बोलें? एक इंजीनियर राशिद वहां से इतना बयान दे रहा है, इतना कुछ हमारे जम्मू वालों के लिए बोल रहा है, और जालिम तक बोल दिया सर। जालिम लफ्ज़ का क्या मतलब जानते हैं वो? जालिम, आप मुझे बताइए कौन सा जुल्म किया उन्होंने? क्या वो श्रीनगर को उठा के
پاکستان کے حوالے کر دیں وہ ظالم تک ختم ہو جاتی، اس پاکستان کے حوالے کرتے جو یہاں سے اٹھ کے ان کے عمران خان جاتے ہیں امریکہ میں پیسہ لینے کے لیے، وہاں پہ جا کے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، کل کو وہ اس غریب جا کے غریب ملک کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ کیا آج جب انہوں نے ہمارے کو ہندوستان کے ساتھ جوڑا ہے جو ہم ان کے ساتھ جڑے ہیں تو وہ کیا غلط کیا؟ آج ہم شان سے کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، ہندوستان جیسی اتنی بڑی کنٹری کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ آخر آج جب ہمارے کو ضرورت ہے ان بڑے بڑے نیتاؤں کی جنہوں نے جیسے لال سنگھ جی جیسے جنہوں نے جموں کے ہت کے لیے بولا کہ ہم آواز بلند کر رہے ہیں جموں کی، تو آج وہ آواز کہاں پہ ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج وہ آواز کہاں پہ ہے، کیوں نہیں وہ ہمارے ہت کے لیے ہمارے اس کے لیے آگے آتے؟ یہ ایک چھٹی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہالیڈے مارٹرز ڈے کو ڈکلیئر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن مہاراجا ہری سنگھ جی کی چھٹی کے لیے ابھی تک سنگھرش ہو رہا ہے، اس مہاراجا ہری سنگھ جی کی چھٹی کے لیے جس کے لیے تمام سیاسی دڑے یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل اسٹیٹس دیا ہے، ایک تحفہ ہے مہاراجا ہری سنگھ جی کے لیے، جو شری نگر کے ہی لوگ ایسا کہتے ہیں، حالانکہ بھاجپا کہتی ہے کہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن شری نگر کا ایک مت جو ہے 35A کو لے کر مہاراجا ہری سنگھ جی کے پکش میں ہے، لیکن اگر اس طرح سے بیان بازی ہوتی ہے تب کوئی کشمیری لیڈر ٹویٹ بھی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اپنی سیاسی روٹی سے کر رہے ہیں، انجن راشد وغیرہ جو ہیں یہ صرف سیاسی روٹی۔ آج دیکھیے، آج یہ پہلے کہاں تھے، اب انہیں پتہ ہے کبھی بھی جموں کشمیر میں الیکشن ہو سکتے ہیں، یہ آ رہے ہیں اور اس طرح کے بے بنیادی ٹویٹ کر کر کے، اس طرح کے بے بنیادی بیان جاری کر کر کے ہم لوگوں کے ساتھ، جموں کے لوگوں کے ساتھ چھوڑ کے یہ سری نگر کی عوام کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جموں میونسپل کارپوریشن نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بھاجپا کی اگر سرکار آتی، حالانکہ ابھی ودھان سبھا کے چناؤ ہونے ہیں، لیکن یہ امید تھی کہ چلیے بھاجپا کا ورچسو جموں میونسپل کارپوریشن میں دکھا، میئر ان کے بنے، ڈپٹی میئر بنے۔ انہوں نے کہا کہ چھٹی جو ہے، جو ایک بہت بڑی مانگ تھی، وہ ڈکلیئر ہوگی، لیکن اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کس چھٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ظالم ہیں، کون سی چھٹی، وہ کون سے حقدار ہیں؟ تو یہ کشمیر کی جو سیاست ہے اب جموں پر کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ صاف صاف نظر آ رہا ہے، صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں، ان کے بیچ میں ایک اپنی ہی ہوڑ بنی ہوئی ہے کہ کیوں نہ ہم سری نگر کے اندر اپنا وشواس جاری کریں، لوگوں کے اندر اپنا وشواس اتنا حاصل کریں، انہیں جموں کے ساتھ لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ جموں کو اگنور کر کے سری نگر کے لیے لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے غلط اپنے بھاشنوں کے ذریعے یہ ایک اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب باقی رہی بات چھٹی کی، تو دیکھیے، چھٹی جو ہے شیخ عبداللہ کے لیے بھی، شیخ عبداللہ کو بھی چھٹی ہم نے دی ہوئی ہے جے اینڈ کے میں، جو تو مہاراجا ہری سنگھ شیخ عبداللہ سے کافی اوپر تھے، یہ سب جانتے ہیں مہاراجا ہری سنگھ راجا ہیں، وہ جے اینڈ کے کہ وہ ایک منتری میں اور ایک راجا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ان لوگوں کو، ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ مہاراجا کے اس کے اوپر اگر ایک چھٹی سینکشن کی لوگوں نے مانگ کی، اور اس کے لیے تو پہلے جموں کے ڈوگرات بھی تو دوڑے تھے، آج وہ کہاں ہے جب یہ چھٹی سینکشن ہو رہی ہے؟ تو آج وہ لوگ کیوں نہیں اس کے بارے میں بیان بازی کر رہے ہیں؟ کیا لگتا کیا ہے کہ انجینئر رشید کی جو راجنیتی ہے وہ کشمیر میں سیمت ہو کر اب جموں کی اور رخ کر رہی ہے، کیونکہ آنے والا وقت ودھان سبھا کے چناؤ کا ہے؟ اور کیا جواب دینا چاہیے اس طرح کے نیتا کو جو سمے سمے پر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہندوستان کے جو سمویدھان کے خلاف بولے گا؟ دیکھیے، ان کا تو کام یہ ہے، وہ وادوں میں ہمیشہ گرے رہتے ہیں، وہ ہر آپ ایک اسی انٹرویو کے علاوہ بھی آپ ان کے کئی سارے ایسے دیکھیے، ان کی پوری ہسٹری اگر ہم کھول کے دیکھیں گے تو وہ وادوں میں ہی گرے رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی جو ہے سطح بن جائے اور وہ جموں اور سری نگر کے لوگ۔ ایک سوال آپ سے کروں گی، حال ہی میں ابھی میں نے کچھ سمے پہلے آپ کو دکھایا کہ محبوبہ مفتی نے ایک کیا بیان دیا ہے، محبوبہ مفتی نے سیدھے طور پر بچاؤ کے لیے کچھ ایسا بیان دیا ہے جو سیاسی خیمے میں ہلچل کر سکتا ہے، حالانکہ سیدھے طور پر ایک اور بیان انجینئر رشید نے محبوبہ مفتی کے خلاف بھی دیا ہے، یعنی کہ کشمیری لیڈرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بول رہے ہیں۔ سیدھے طور پر انجینئر رشید کہتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کا دوگلا پن سامنے آیا ہے، اور ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ انجینئر رشید نے یہ بھی دی ہے کہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی، یعنی کہ عبداللہ اور محبوبہ مفتی جو مفتی پریوار سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ریئل انیمیز ہیں، اصلی دشمن ہیں۔ سر، اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے میم، میرا تو ان کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ یہ اپنی جو یہ راجنیتی، جو گندی راجنیتی ہے، جو یہ دن بہ دن اس کے اوپر بیان دیتے جا رہے ہیں، اس راجنیتی کو اپنے تک ہی سیمت رکھے تو ٹھیک ہے، اس کو ہمارے جموں کے ساتھ انوالو مت کیجیے، کیونکہ ہمارے جموں میں ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ مٹھرے جموں ادی بولی تو میٹھے میٹھے لوگ ڈوگرے، تو جو کلے تک کلے تک مٹھری ڈوگری رونی چاہیے تھی، کیونکہ اگر یہ ڈوگری مٹھی رہندی رہی تھی کوڑے کوڑے بندے تھے آئیے نا۔ پھر دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ جموں والوں کی طرف سے میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہتا ہوں، ہم جموں والے مہاتما گاندھی کو بھی پرنام کرتے ہیں اور ہم بھگت سنگھ جی کو بھی پرنام کرتے ہیں، ہمارے کو آپ جس اینگل میں لینا چاہیں گے ہم جموں والے اسی اینگل میں آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سری نگر، دیکھیے سری نگر کے لوگ جب جموں میں آتے ہیں، جب جموں میں آتے ہیں ہم جموں والے ان کے ساتھ کس طرح پیار سے، کس محبت سے ان کے ساتھ ہم ٹریٹ کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کسی جموں، کبھی کبھی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ جس میں سری نگر کے لوگ جموں میں آئے اور ہم لوگوں نے
उनके साथ बदसलूकी की हो, इसीलिए जम्मू का माहौल आज तक ठीक है। श्रीनगर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो श्रीनगर के लोग हैं उन्हें भी ये लोग जो है, ये वहाँ के जो लीडर हैं वो इन्हें जो है बहका रहे हैं सिर्फ एक सियासी अपनी सियासत के लिए। आपका कहने का मतलब है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है कि जम्मू की अलग सोच कर दी जाए, कश्मीर की अलग कर दी जाए, लद्दाख की अलग कर दी जाए और सीधे तौर पर सियासी रोटियाँ सेकी जाए जब चुनाव हो। मैम ये ब्रिटिश जब हुआ 26 अक्टूबर 1947 में, जब आपको पता है महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ जब ये J&K को जोड़ा था, तब भी ब्रिटिश जो था वो पूरी की पूरी तरह से चाहता था कि पाकिस्तान के साथ जो है श्रीनगर जुड़ जाए। उनकी रणनीति यही थी, उनकी जो थी उनका जो भी ये एक स्ट्रेटजी जो उनकी थी वो यही इसी के आधार पर थी। लेकिन मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि श्रीनगर वाले और जम्मू वाले, हम जो लोग हैं ये भाइयों की तरह आपस में भाईचारा बनाए रखें। इस श्रीनगर की जो ये गंदी पॉलिटिक्स है, आज एक के सगे होते हैं कल ये दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कभी एक पार्टी में छलांग मार रहे हैं कभी दूसरी में मार रहे हैं। सवाल करूंगी सर, आपने जो बयान दिया अभी, जो आपने कहा, वो वक्त आपको याद होगा सर जब सरकारें आती हैं और जाती हैं, पक्ष और विपक्ष दो लफ्ज होते हैं राजनीति में, सदन की बात करें या फिर असेंबली की बात करें, कटाक्ष एक दूसरे पर करते हैं, लेकिन इलेक्शन के पहले जब होता है गठबंधन कर लिया जाता है, कौन सी राजनीति? देखिए गठबंधन जो हम कहते हैं, गठबंधन क्या था, गठबंधन जो यहाँ पे हुआ था, जब आपने देखा बीजेपी और PDP के बीच में गठबंधन हुआ था, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो समय की मांग ऐसी थी, क्योंकि बीजेपी उस टाइम ये चाहता था, बीजेपी चाहता था कि किसी तरह अगर हम ये गठबंधन करेंगे तो हम अपनी समस्याओं को इनको लेके, इनके साथ हम जम्मू की समस्या लेके इनके साथ आगे चलेंगे। लेकिन हुआ ये कि जो महबूबा मुफ्ती थी ना, उसने अपना दबदबा दबाए रखा, उसने इनको ये इनको दबाने की कोशिश की, लेकिन जब बीजेपी दबने के लिए आई तो बीजेपी ने इनके साथ सरकार तोड़ दी, क्योंकि लेकिन वो गठबंधन भी याद होगा सर, लोकसभा चुनाव में जो बनाया गया था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, सेक्युलर फोर्सेस को बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो सेक्युलरिज्म इतना हावी पड़ा कि अकबर लोन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं लेकिन खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। वो कैसा गठबंधन था? लगता है कि कांग्रेस को उस समय थोड़ी समझ आई थी कि ये तो अपनी सियासी रोटियां सेक रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके MP बन गए, सदन में पहुंच गए, आवाज बन गए जनता की, लेकिन कांग्रेस को वहां पर भी हार देखनी पड़ी। देखिए कांग्रेस का मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आपने बोला लोन ने, जिस तरह से उन्होंने ये बातें की, जिस तरह से बयानबाजी की, यही चीज़ वो बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही चीज़ दर्शाई जा रही है कि वो लोग क्या चाहते हैं। यहाँ सबको पता है कि वो चीख चीख के बोलते हैं हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी को लेके वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज़ादी कहाँ पे? वो सरेआम बोलते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें कोई पाकिस्तान के साथ इसको नहीं जोड़ना है। लेकिन जब आपने क्रिकेट मैच देखा जी, जब आपने क्रिकेट मैच देखा वहाँ पे आपने देखा कि जब पाकिस्तान हारता है तो श्रीनगर में मातम छाड़ जाता है वो लोग, और जब वो जीत जाता है तो पटाखे जलाए जाते हैं, और हिंदुस्तान के हारने में भी पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो यहीं से पता चलता है कि वो एक पॉलिटिकल गेम खेलते हैं, वो राजनीतिक गेम खेलते हैं। कांग्रेस इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है, कांग्रेस ने समझा नहीं इस चीज को कि उनके उन्हीं के नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं, वो खुद में कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति हावी हुई कांग्रेस पे, और अभी भी कांग्रेस जो है वो ये एक चेहरा ढूंढ रही है जो गैर कांग्रेसी हो अध्यक्ष पद के लिए, वो अभी मिल नहीं रहा, हालांकि प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है। लगता है कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए था कि हमें अपनी राजनीति करनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, सीधे तौर पर उसकी हार हुई है एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के आगे। देखिए इनको उस टाइम समझना चाहिए था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनके ऊपर एक अपना जाल फेंक दिया है, इन्होंने अपना जाल फेंक दिया, इन्होंने बोला कि चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं। कौन सी सपोर्ट की इन्होंने? उनकी कोई सपोर्ट नहीं की, वो उनको पता था कि जम्मू से NC ने सीट तो हारनी है, उन्हें लगा क्यों ना हम इस टाइम पीछे हो जाएं और बाद में इसका हम फायदा ले लें, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हारेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उस टाइम उनका साथ लेके सबसे बड़ी गलती की, वो गलती आपके सामने आई, आपने देखा किस तरह से वो हार गए वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइम सबसे बड़ी बात ये थी कि जम्मू के लोगों के हित के लिए बात जो करेगा, जो जम्मू के हित के लिए चलेगा, जो कि जम्मू के हित के लिए क्या सिर्फ बोलने से नहीं होता मैम, करने से होता है। देखिए श्रीनगर के नेता सरेआम आके इतनी बातें हमारे जम्मू के लिए कर रहे हैं, महाराजा हरि सिंह तक कि उन्होंने बोल दिया, और यहाँ तक कि आपने सुना होगा उन्होंने एक ट्वीट किया, इतना गलत बयान दिया कि जिस कश्मीर के खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, हैं? आप मुझे बता सकते हैं, भाजपा समय समय पर कहती है कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, ये भाजपा हमेशा कहती है। चाहे अमित शाह की बात करें तो जम्मू में भी आए थे, तब हम भी वहाँ पर मौजूद है, हमने लाइव वहाँ से विजुअल दिखाया था अपने दर्शकों को, तो वहाँ पर भी अमित शाह ने कहा था कि एक अभिन्न अंग है, भाजपा समय समय पर कहती है। लेकिन कश्मीरी लीडर्स या फिर मैं कहूँ सीधे तौर पर इंजीनियर रशीद इस तरह के बयान देंगे तो कहीं ना कहीं आहत होंगे। देखिए अभिन्न अंग तो है, अमित शाह जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, ये अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे UN ने भी माना है।
इसे यूएन ने भी इसे मान लिया है कि ये उसका अभिन्न अंग है। तो इंजीनियर राशिद जैसे इस बयानों का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस टाइम वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, वो सियासी रोटी सेक रहे हैं, वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है जिस तरह से ये श्रीनगर के अवाम। आप लोग जाइए, आप लोगों को अगर बात करनी है तो आप लोग डेवलपमेंट की बात कीजिए ना, डेवलपमेंट के कोई मुद्दा ही नहीं है। आ जाके ये इस बातों में चलते जाएंगे, आज़ादी आज़ादी, डेवलपमेंट की बात कहाँ की जा रही है इनके द्वारा। हम तो यही चाहते हैं कि देखिए जम्मू और श्रीनगर ये शांति प्रिय देश बन के रहे, ताकि एक ऐसी मिसाल बने कि एक समय यहाँ पे क्या होता था और आने वाले समय पे ये कितनी अच्छी चीज़ बन गई। तो हमें लगता है कि जल्द से जल्द इसका भी निपटारा होगा और जल्द से जल्द श्रीनगर के लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि जम्मू और कश्मीर के जो आपसी लोग हैं ये भाई की तरह हैं और हमें भाईचारा बना के रहना है एक दूसरे के साथ। ये जो राजनीति जो श्रीनगर इंजीनियर राशिद इस तरह के गलत गलत बयान दे रहे हैं, उन बयानों से हटना है, उन बयानों से दूर होना है, ठीक है। क्योंकि आज देखिए 5 साल 4 साल तक इंजीनियर राशिद आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आज जब इलेक्शन का दौर आ रहा है तो इंजीनियर राशिद जी कभी बाय प्लेन, कभी बाय कार, कभी रोड में, ये सरेआम सबके खिलाफ जो है इस तरह की बातें जो महाराजा हरि सिंह को जाके वहाँ पर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं जब फिर से आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कहाँ राजा बोजर, कहाँ गंगू तेली। ये साफ तौर पर ये सवाल जो है उन सभी डोगरा से है। कितना बुरा लगता है ना जब महाराजा हरि सिंह जी को इस तरह से कहा जाता है कि वो तानाशाह थे। डिक्टेटर शब्द इस्तेमाल किया गया था एडोल्फ हिटलर पर, जिसने डिक्टेटरशिप से पूरी अपनी जो कंट्री को तबाह कर दिया था, पूरी कंट्री को वहाँ पर इतने जख्म दिए थे कि लोग जो थे कहते थे कि इससे अच्छा मौत आ जाए। लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरह से गरमाया है कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार हिटलर का ही दर्जा दिया था नरेंद्र मोदी को। और वो रैली, मैं आपको याद कराऊं, वो महारैली थी, महागठबंधन की रैली थी, जहां पर सीधे तौर पर एडोल्फ हिटलर का दर्जा दिया गया था और सीधे तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाए थे फारूक अब्दुल्ला ने, और वो सियासी खेमे में हलचल भी हुई थी। यानी कि तानाशाह लफ्ज़ का जो एक इस्तेमाल हिंदुस्तान की राजनीति में हो रहा है, पहले ये तो देख लीजिए तानाशाह होता कौन है। और सीधे तौर पर डोगरास को चोट लगी है, लेकिन जवाब जो है सुमित जी ने सीधे तौर पर दिया है और ये कहा है, चलिए शुरुआत हो चुकी है महाराजा हरि सिंह जी की जो एक जन्मदिवस की छुट्टी की। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि विधानसभा के चुनाव जैसे ही आएंगे या उससे पहले कोई ना कोई तो नेता आएगा जो बाहर निकल कर आवाज़ बनेगा, जो बाहर निकल कर ये तो बताएगा कि हम नेतागिरी तो करते हैं लेकिन जनता के हक की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, और वो बयान देते हैं जो जनता के दिलों से निकलता है, यानी कि जनता के दिल को टटोलने का काम करते हैं। 1 करोड़, अगर कहते हैं ना कि 125 करोड़ या 1 करोड़ लोग जो हैं वो एक विधानसभा में नहीं बैठ सकते, एक सदन में नहीं बैठ सकते, लेकिन हाँ एक नेता वो सीधे तौर पर नुमाइंदगी करता है, आवाज़ बनता है जनता की, वो एक इंसान नहीं बैठा होता, वो पूरा क्षेत्र एक कुर्सी पर बैठा होता है जिसने उस एक नेता को वोटों से नवाजा होता है। हालांकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मार्टर्स डे कश्मीर में है लेकिन कश्मीरी पंडित काला दिवस मनाते हैं। तो एक बहुत बड़े सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ, क्या महाराजा हरि सिंह सच में तानाशाह थे या अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए इंजीनियर रशीद इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि वो ये भी भूल गए हैं ये वही महाराजा हैं जिनका हवाला देती हैं महबूबा मुफ्ती और कहती हैं एक पुल का निर्माण हुआ है और महाराजा हरि सिंह जी का एक बहुत बड़ा तोहफा है, स्पेशल स्टेटस है, प्रेजेंट है, जो हमें संभाल कर रखना और इसके बचाव के लिए हम चुनावों से भी बायकॉट करेंगे, ये कहना था महबूबा मुफ्ती का। इसी के साथ कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी, आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।